दोस्तों, अगर आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और आप कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जैसे मेरी एक पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया कुछ इस तरह से। दोस्तों, इसके बाद ही आप इस तरह के थंबनेल तैयार कर सकते हैं। या आप अपनी पिक्चर को PNG फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है तो दो बहुत ही जबरदस्त और प्रोफेशनल तरीके आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहले नंबर पर है Adobe Express, बहुत ही जबरदस्त और प्रोफेशनल ऐप है आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने में और आपकी पिक्चर को इन्हेंस करने में, बहुत ही जबरदस्त है। वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। दोस्तों, आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च करना है Adobe Express, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है, यहाँ से इसे आपने ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आप जहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट है, लोगो भी बना सकते हैं और नीचे थंबनेल YouTube थंबनेल है, यहाँ पे दोस्तों आपने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, साइज पे क्लिक कर लेंगे, ये टाइटल पे क्लिक करके दोस्तों नीचे डिलीट का बटन है, ये आपने डिलीट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ऐड पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फोटो पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको गैलरी में ले आएगा, यहाँ पे आपने अपना बैकग्राउंड चूज कर लेना है जो भी आपको पसंद आए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, पिन टू बैकग्राउंड यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, पिन टू बैकग्राउंड। जैसे क्लिक करेंगे ये दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा दोस्तों आपने ऐड पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करना है और गैलरी में आपने वो फोटो चूज करनी है जिसका बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लगता, आप रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, मूव फ्रीली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फोटो आ जाएगा। यहाँ से आपने फोटो पे क्लिक करके, ये तीसरे नंबर पर दोस्तों ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे क्लिक करेंगे आप दोस्तों, अब आपको ग्रीन पैनल की भी जरूरत नहीं, आपका बैकग्राउंड जिस टाइप का भी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। ये रिमूव हो चुका है हमारा बैकग्राउंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इनहेंस पे क्लिक करेंगे, ये कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। दोस्तों डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को हमने थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ से आप जितना आपका दिल चाहे जहाँ पे एडजस्ट हो जाए वहाँ पे आपने कर लेना है। हाईलाइट्स हैं, इसे भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। और उसके बाद दोस्तों शेडोज है, ये हमने कम कर देना है। उसके बाद शार्पनेस है, इसे हमने 5 पे रखना है दोस्तों, 5 पे कर दिया हमने इसे और डन कर देना है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, हमारी पिक्चर इनहेंस हो चुकी है। इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों ऊपर सेव का ऑप्शन है, जैसे ही हम दबाएंगे हमारी पिक्चर दोस्तों इमेज सेव, हमारी पिक्चर सेव हो चुकी है। ये हम गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से हमने ये पिक्चर जो सेव की थी ये पड़ी है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों, ये आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और आपने अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगा दिया। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है Adobe Express, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी पिक्चर को PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है BG, सर्च करेंगे तो ये रिमूव बैकग्राउंड पहला ही जो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपलोड इमेज है, इसे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है अपलोड इमेज, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको ब्राउज़र में ले आएगा अपनी गैलरी में। यहाँ से आपने अपनी वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसका बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लगता, डन करेंगे तो ये 2-3 सेकंड में दोस्तों PNG में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारी PNG में कन्वर्ट हो गई है। जैसे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया दोस्तों, ये हमारा सेव हो चुका है। ये दोस्तों के हम गैलरी में आ गए, यहाँ से हमने डाउनलोड के फोल्डर चूज़ किया तो दोस्तों ये हमारी पिक्चर PNG फाइल में कन्वर्ट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और ऊपर दो वीडियोस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एक बार ज़रूर वॉच करके देखें। दो में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर।